बांग्लादेश में सूरत हाल लमा बालामा तेजी से बदल रही है। सबसे अधिक दुखद ये है कि हमारे हिंदू जिस देश में अल्पसंख्यक रूप में रह रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जोरदार हिंसा हुई। हिंदुओं को निशाना बना रहे उपद्रवियों ने चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। मोदी जी ने यह बोला कि जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। इंसाफ होगा। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। सारे यहूदियों सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूदियों नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। नाक आवाम ने हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर ही हल्ला नहीं बोला बल्कि बंगला बंधु यानी बाबा कौम, जो इनके बाबा कौम है शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर भी फूंक डाला। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं, ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहां जहां भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम कर रहे हैं। ग्लोबली अगर आप देखिए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है टू काउंटर चाइना, तो भी एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे, ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है, मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से ये बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा, और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं आप इनको बंद करिए फौरन, और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि अगर मुसलमान ऊपर से नीचे तक सोने का भी हो जाए ना, तब भी उसका पिछोड़ा पीतल का रहता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी दिखा सकता है, और यही पिछोड़ा यानी कि अपनी औकात इन बांग्लादेशियों ने दिखाई। ठीक है, जब इन बांग्लादेशियों की माँ का बलात्कार हो रहा था, इनकी भेड़ों का बलात्कार हो रहा था, जब इनके लोगों को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था, पाकिस्तान की आर्मी बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर बांग्लादेशी के साथ में उत्पीड़न कर रहा था, मार रहा था, रेप कर रहा था, तब इनको बचाया था हिंदुस्तानियों ने, और हिंदुस्तान के 4000 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, तब जाके ये बांग्लादेशी उन अत्याचारों से मुक्त हुए थे। मैं जानता हूं। तो इन बांग्लादेशी जायलों ने उसका रिजल्ट तुम्हें क्या दिया? रिजल्ट ये दिया, 1971 में बांग्लादेश के अंदर 26% हिंदू थे, आज 8% पे रह गए, और 8% का भी इन्होंने जो हल किया है उसको देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ, बांग्लादेशी हो या जो भी मुसलमान कौम होती है, ये किसी की सगी नहीं होती भाई, ये किसी की भी सगी नहीं होती, इनमें जहालत कूट कूट के भरी होती है, दरिंदे होते हैं, दरिंदे, चलते फिरते दरिंदे। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं ये। और मुझे एक बात बता दो बांग्लादेशियों, तुमको ऐसा लगता है कि तुम 100% मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन आ जाएगा? अपनी आंखें खोलो और देखो, जहां भी मेजोरिटी में मुसलमान है सब भूखे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, चाहे यमन को उठा लो, चाहे अफगानिस्तान को उठा लो, चाहे सीरिया को उठा लो, चाहे नाइजीरिया को उठा लो, चाहे किसी कोई भी ऐसा मुल्क जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वहां पर भुखमरी अशांति है। शेख हसीना को तुमको पसंद थी या ना थी वो मेरा मुद्दा था ही नहीं, मेरा मुद्दा तो ये जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या वो बांग्ला नहीं बोलते? वो तुम्हारे जैसे नहीं है? और तुम तो इतने बेशर्म हो जिसने तुम्हारे को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार के काफी लोग कुर्बान कर दिए, तुमने उसके भी पुतले जला दिए। इतने बेगैरत भी मत बनो, जिस बंदे की वजह से तुम बांग्लादेश में आज खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, उस बंदे के पुतले तोड़ दिए। तोड़े तो तोड़े, वो भी तुम्हारा इंटरनल मामला है, उस पे भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने हिंदुओं क्यों मारा? इस्कॉन मंदिर तोड़ के गिरा दिया तुमने, जिस इस्कॉन मंदिर ने 1971 के अंदर $1.5 million का फंड जमा करके तुम लोगों को खाना खिलाया, सालों तक खिलाया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में गरीबी थी, भुखमरी थी, तुमने उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। शेम ऑन यू बांग्लादेशियों, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। और मैं धिक्कार देना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को, हमारे अपोजिशन वालों को, जिनके मुंह से जय फिलिस्तीन तो निकल जाता है लेकिन एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला। मैं धिक्कार करना चाहूंगा राहुल गांधी पे, जो गजा में हम लोग के 50 सवाल पूछ सकता है लेकिन एक भी सवाल इसने हिंदुओं पे नहीं पूछा, एक ट्वीट नहीं किया। पता नहीं कौन सा ऐसे हिंदू है जो इन लोगों को वोट देते हैं। अरे तुम छोड़ो अंधभक्त को, कांग्रेस को, बीजेपी को, तुम हिंदू हो, तुम ये तो याद रखो कम से कम, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, आज वो मारे जा रहे हैं, कल तुम्हारा नंबर आएगा। कसाई के पास जो पिंजरे में मुर्गियां होती है, एक एक करके सब निकल रही होती है, बाकी सारी मुर्गियां दाना खाने में मस्त होती है, उनको पता नहीं कि उनका नंबर कब
कब आएगा, उनको लगता है हमें खाने को मिल रहा है तो हम टेंशन फ्री है। अपने अंदर दर्द जमाओ, जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठो और अपने आप को सनातनी बोलो और सनातनियों के लिए लड़ना सीखो। इस पूरी दुनिया में यहूदियों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है तो वो हिंदू है। अब भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो तुमसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है, तुम भी उस दाना चुगने वाली मुर्गी के जैसे ही हो। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात उठाई है। इसराइल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात की तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने कुछ रिएक्शन दिए। चलते पाकिस्तान। सर यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है। इस्लामिक टच दिया जा रहा है, इस्लामी है वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, तो इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, आप बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तुम अपने पाकिस्तान में आवाज उठाओ, अपने घरों से बाहर निकलो और सारे हिंदुओं के लिए आवाज उठाओ जो तुमने हिंदुओं का बेड़ा करक कर रखा है पाकिस्तान में। दोस्तों इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए मोदी जी ने जो कहना था मोदी जी ने कहा। अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी, यू आर दी हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है, आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर, क्या दिक्कत है भाई। दिक्कत क्या है, शेख हसीना कहां पे चूक गई। शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना, उसने बोला नहीं साहब हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं। वो ये कैसे स्टूडेंट हैं। और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, दीज पीपल आर टेररिस्ट्स, ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं ये कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ये सब लोग। ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो, किसको झूठ, मैं तुम्हारे नाम नहीं लेता, इसका मतलब तुम ये नहीं सोचना कि मेजर को कुछ पता नहीं है। जिस दिन नाम लूंगा ना, जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा, मुंह मत खुलवाओ, हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं। और अगर मोहम्मद यूनुस, ये कौन सी कमजोरी वाली बात करती यार मोहम्मद यूनुस ने, ये तो मैं वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या होता है बॉस, ये तो समझाओ। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले भी बांग्लादेश चल रहा था, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा भाई। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से थोड़ा ना चल रहा है, वो तो अलग देश है, सॉवरेन कंट्री है, वो तो चल रही है, उसका इससे क्या लेना देना है कि मैं छोड़ दूंगा। तुम किसको धमकी दे रहे हो, बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, किसी और को बैठा देगी भाई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ बांग्लादेश, इफ यू हैव बीन स्वोन इन टू कैरी आउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट, डू योर जॉब, अपना काम करो, बोलो फौज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो कि 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए ये सब, मुझे रिपोर्ट चाहिए, दंगे बंद हो जाने चाहिए, घुमाओ बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स सड़कों पे। एक बार फौज के टैंक निकल गए, फौज का फ्लैग मार्च निकल गया, अपने आप ठंडा हो जाएगा मामला 8 घंटे में, 8 घंटे में मामला ठंडा हो जाएगा अगर कोई भी फौज सड़क पर निकल आती है। लेकिन ये भी नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं चाहता हो, इनको पता है, मैं आपको इनका माइंडसेट बताता हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। इनका ये माइंडसेट है कि
अगर हम यहाँ पे हिंदू मारेंगे, अगर हम हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रेप करेंगे, अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे, तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं, उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा, और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज व्हाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी मुझे, 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अफगानी हो, ये सारे के सारे कन्वर्टेड है। 1450 साल पहले से इस संसार में एक भी मुसलमान नहीं था। ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री है, पढ़ लो। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।